हेलो एवरीवन, आज है देव दीपावली है, 7 नवंबर है। तो सबसे पहले आप सभी को देव दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज मैं यहाँ बनाने जा रही हूँ सिंघाड़े की सब्जी। तो आप चाहो तो सिंघाड़ा कच्चा भी ले सकते हैं, मेरे यहाँ बॉयल था तो इसलिए मैंने बॉयल ले लिया है। और कुछ जो है थोड़ा ज़्यादा ही बॉयल हो गया था तो उसको मैंने यहाँ पर मैश कर लिया है। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आलू लिया है। तो आप चाहें तो केवल सिंघाड़े की भी सब्जी बना सकते हैं या फिर आलू और सिंघाड़ा मिक्स करके बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने इसको छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं, आलू के छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। और अब मैं इसको इन दोनों को चल रही हूँ फ्राई कर ले रही हूँ। कढ़ाई चढ़ा दी है, अब इसमें मैं 2 चम्मच ऑयल डालूँगी। इसको चारों तरफ अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब ऑयल गरम हो जाएगा तो इसमें मैं ये सिंघाड़ा और ये जो मैंने कट किया आलू, इसको एक साथ मैं थोड़ा सा भून लूँगी। और इसे मैं थोड़े देर के लिए ढक देती हूँ। तो उधर मैंने कढ़ाई में अपना सिंघाड़ा और आलू फ्राई होने के लिए रख दिया है। और यहाँ मैं ली हूँ 2 प्याज ली हूँ और 1 टमाटर ली हूँ, थोड़ी सी मूंगफली ली हूँ, 2 हरी मिर्च ली हूँ और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा ली हूँ। और यहाँ पे थोड़ी सी मैंने लहसुन ली है। अब जब मेरा कढ़ाई में सिंघाड़ा और आलू जो है अच्छे से भुन भी जाएगा और थोड़ा पक भी जाएगा तो उसको मैं निकाल के उसी कढ़ाई में इन सबको मैं एक साथ डाल के फ्राई कर लूँगी। तो ये देखिए मेरा सिंघाड़ा और आलू फ्राई हो चुका है। अब मैं इसे अलग बर्तन में निकाल लूँगी। ये मेरा फ्राई हो गया है, अब मैं इसे साइड में रख ले रही हूँ। अब इसी कढ़ाई में मैं थोड़ा सा और ऑयल डालूंगी, बिल्कुल थोड़ा सा। और इसी में जो भी प्याज है, टमाटर है, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, मूंगफली सबको एक साथ डाल के बस इसको सॉफ्ट कर लेना है। तो ये देखिए सॉफ्ट भी हो गया है और थोड़ा सा भुन भी गया है। अब इसको मिक्सर में पीस लेंगे। तो ये देखिए मेरा पीस चुका है, मसाला तैयार हो गया है। अब मैं इस कढ़ाई को फिर से गर्म करूँगी और इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डालूँगी। ये सब्ज़ी ना बहुत तीखी नहीं लगेगी, बहुत मीठी नहीं, एक जो सॉफ्ट वाला टेस्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं बिल्कुल डिलीशियस वाला, वैसा जो मुंह में एकदम जाते घुल जाता है वैसा टेस्ट आएगा। तो अब बस ये मेरी कढ़ाई गर्म हो चुकी है, अब मैं इसमें थोड़ा सा जीरा डालूँगी। और इसमें मैं 2 लौंग डाल रही हूँ और यहाँ पर तेज़पात डाल रही हूँ। और इसी में मैंने ये जो मसाला पीसा है इसको मैं इसमें डाल दे रही हूँ। आंच को धीमा कर लेंगे और इसमें जो थोड़ा सा लगा है चारों तरफ इसमें मैं पानी डाल के अच्छे से मिक्स करके इसको भी मैं कढ़ाई में डाल दूंगी। अब बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैं थोड़ा सा नमक ले लूंगी। बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी लेना है, आप चाहें तो हल्दी नहीं भी डाल सकते हैं, मैं बिल्कुल थोड़ा सा ले रही हूँ।
और थोड़ा सा मैं मसाला डाल रही हूँ। कोई भी सब्जी मसाला, गरम मसाला जो भी है आपके पास, थोड़ा सा डालना है। और इसको चलाते हुए थोड़ी देर इसको खूब अच्छे से भून लेंगे। अब इसी में जो मैंने सिंघाड़े को मैश किया था, इसको भी इसी में लेके मिक्स कर लेंगे। और मसाले को 2-3 मिनट खूब अच्छे से भून लेंगे। ये नीचे से पकड़े ना, इसलिए इसको चलाते रहना है। अब बस मैं यहाँ पे थोड़ा सा दूध ली हूँ, इसमें मैंने मलाई भी ले लिया है, और इसको मिक्स करके इसमें मैं डाल दूँगी। और ये जो मेरा फ्राई किया हुआ सब्जी था, इसको मैं इसमें डाल दूंगी। और इसमें मैं थोड़ा सा सॉस डाल दूंगी, टमाटो सॉस डाल दूंगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसको थोड़े टाइम के लिए मैं ढक दूंगी। तो ये देखिए, मैंने थोड़े देर इसको ढक के बीच में चला के और फिर ढक के भी थोड़ा सा पका दिया और अच्छे से मिक्स कर लिया है। और ये अब बनके रेडी हो चुका है। अब बस इसमें धनिया की पत्ती डाल देते हैं। तो ये देखिए, मेरी सब्जी बनके रेडी हो चुकी है। और ये ना मुँह में बहुत ही सॉफ्ट वाला टेस्ट आता है इसका, और बहुत ही टेस्टी भी बना है। मैंने अभी टेस्ट करा के मैं ले आ रही हूँ, तो आप लोग भी इसे ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आगे से जो भी रेसिपी बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुँच जाए। थैंक यू।